इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 अगस्त से इंडियन डीजे एक्सपो 2023 का होगा आयोजन। 250 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा, मेक इन इंडिया की 30 कंपनियां भी बनी भागीदार। म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े गजेट्स और तकनीकी को दुनिया से रूबरू कराने वाली वार्षिक प्रदर्शनी इंडिया डीजे एक्सपो 2023 का आयोजन कल 25 से 27 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो एंड मार्ट में किया जा रहा है। इस सालाना एक्सपो में डीजे मिक्सर और कंट्रोलर से लेकर नवीनतम डीजे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ क्लब साउंड, टूरिंग साउंड के अलावा पीए के लिए स्पीकर सिस्टम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। एक्सपो में लाइटिंग, ब्रांड लेजर सहित स्टेज और एंटरटेनमेंट लाइटिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दर्शन होंगे। एलईडी तकनीक, एलईडी वॉल्स और स्क्रीन में अत्याधुनिक सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे। लाइन एरे, डेमो एरे ना भारत लाइव साउंड उद्योग में सक्रिय 8 प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ नजर आएगा। इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मेरा नाम मैनुअल डायस है और मैं इंडियन डीजे एक्सपो का कन्वीनर हूँ। इस साल इंडियन डीजे एक्सपो एक नई जगह पे प्रस्तुत किया जाएगा और वो है इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा। 25, 26, 27 अगस्त को ये आयोजित किया जाएगा और इसमें हम लोग कम से कम नहीं तो 15,000 से 17,000 लोगों की एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और हमारे यहाँ कम से कम 250 ब्रांड्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोफेशनल ऑडियो एंड लाइटिंग ब्रांड्स इन दोनों सेगमेंट से, और प्लस एलईडी वॉल्स के भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पे हमारा शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात की जाए इंडिया की, तो अभी क्या ये इंडस्ट्री जो है क्या इसका मतलब अभी क्या स्थिति है और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बात की जाए। बट ये इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो हो रही है बिकॉज ये इवेंट्स और एंटरटेनमेंट की है, तो हमारे आप अगर देखिए तो हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए फंक्शंस होते हैं और उस चीज़ के लिए साउंड और लाइट और यू नो और एलईडी डिस्प्ले तो बहुत ज़रूरी हो गया है। और हमारी वेडिंग इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी हो गई है आज की तारीख में कि उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास ये साउंड एंड लाइट इंडस्ट्री को काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और जो इस ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ना ये हर साल हर 5 साल में डबल हो जाता है। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बाहर से भी, विदेश से भी आ रहे हैं, इंडिया ही के हैं ये? इस बार सब इंडियन कंपनीज ही हैं बिकॉज फोकस अभी पूरा इंडिया, मेक इन इंडिया उसी के ऊपर चल रहा है पूरा। जी, जी, जी। और है इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं बट उस मार्केट सेगमेंट का जो डिमांड है वो थोड़ा कम है, बट इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छी तरह से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और काफ़ी सारा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा हुआ है अभी 5-10 साल के अंदर। नहीं, B2B ही है। B2B बात की जाए कंपटीशन की, खास करके चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, हाँ जी, तो okay, क्या फेस कर रहा है हमारी इंडस्ट्री उनके साथ? नहीं, अभी हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से चाइना में अभी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बैन की हैं, तो हमारी इंडस्ट्री अभी उसको यहीं पे बनाने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट के थ्रू उनको काफ़ी सपोर्ट भी अभी चालू हो गया है मिलना। इस एक साल के अंदर काफ़ी सारा यू नो इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है और मैन्युफैक्चरर्स अभी इस थॉट में है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी इंडिया में ही बनेगा। सर एक लाइन में और बता दें कि हाँ, विजिटर्स जो यहाँ आएंगे उनको, हाँ, यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ उनको नई जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होंगी आपके इस एक्सपो के द्वारा? जैसे ये इंडियन डीजे एक्सपो जो है वो प्रोफेशनल ऑडियो, लाइटिंग एंड साउंड के ऊपर है एंड डिस्प्ले के ऊपर है, तो लोगों को यहाँ पे लाउड स्पीकर्स देखने मिलेंगे, एम्पलीफायर्स देखने मिलेंगे और माइक्रोफोन्स देखने मिलेंगे, डीजे का जो इक्विपमेंट होता है, डीजे प्लेयर, सीडी प्लेयर और एलईडी डिस्प्ले, ये सब उनको देखने मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन में एलईडी पार, शार्पी और जो नए अभी एमआई बार्स करके आए हैं जो यू नो बहुत सारे क्लब्स और डिस्कोटेक्स में यूज़ होते हैं, वो सब उनको देखने मिलेगा यहाँ पे। धन्यवाद। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।